हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक नई वीडियो में। तो फाइनली आप लोगों का डिमांड था कि मैं मुजफ्फरपुर के टेंपल को एक्सप्लोर करूं। तो जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए लेके आ गया हूं मैं टॉप 5 टेंपल्स ऑफ मुजफ्फरपुर। तो वीडियो आपको अंत तक देखना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में मुझे वाकई में बहुत ज़्यादा मेहनत लग रहा है, तो बस आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमने रखा है श्री गरीबनाथ मंदिर का सबसे नंबर 1 पे, क्योंकि दोस्तों ये मुजफ्फरपुर का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। तो चलिए अब मंदिर के बारे में बताते हैं और मंदिर में कैसे पूजा करना है, क्या क्या चीज़ लेकर जाना है, ये सारे चीज़ हम जानेंगे इस वीडियो में। तो पहले तो मंदिर के सबसे बाहर में आपको 30 रुपये में फूल बेलपत्र वगैरह मिल जाएगा, लोटिया वगैरह मिल जाएगा। उसके बाद आपको मंदिर के अंदर एंट्री करना है। तो अभी पहले सबसे पहले हम लोग मंदिर के अंदर एंट्री कर लेते हैं, और आज सोमवार है तो आज भीड़ तो लाजमी है। तो चलते हैं अब यहाँ पर। आपको मंदिर के बाहर में ही आपको मिल जाएगा साइड में कुआं, वहाँ से आप पानी ले सकते हैं, जल ले सकते हैं अपने लोटिया में। फिर आपको जो बेलपत्र वगैरह मिलेगा उसको आप लोटिया में रख लीजिएगा, और मंदिर के अंदर मेन मंदिर में जाइएगा जहाँ पे भोले बाबा विराजमान हैं, शिवलिंग है जहाँ पे, वहाँ पे आपको जाना है और जल चढ़ाना है। तो अभी चलते हैं, जल चढ़ाएँगे। और अभी जब भीड़ रहता है तो वहाँ पर चबूतरा लगा होता है, वहाँ पर आपको झुक के जल चढ़ाना पड़ता है। काफ़ी भीड़ रहता है इस मंदिर में, क्योंकि फेमस मंदिर है तो भीड़ तो रहना लाजमी है दोस्तों। तो जैसे ही आप जल चढ़ाएँगे ना दोस्तों, तो जल चढ़ा के बाहर निकलेंगे तो मंदिर के जस्ट सटे हुए ना नंदी बाबा का, वहाँ पे नंदी बाबा हैं, वहाँ पे आपको जल चढ़ाना है। और साथ में आप अपने कान में, उनके कान में कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ कहा जाता है कि लोग कान में बोलने से मन्नत पूरी होता है। और जस्ट उसके बगल में पीपल का वृक्ष है जो बहुत साल पुराना वृक्ष है, वहाँ पर आप दीप जला सकते हैं, वृक्ष में जल दे सकते हैं। और फिर मंदिर से जस्ट दूसरे साइड आइएगा दोस्तों, तो वहाँ पर भोले बाबा का परिवार है, जैसे कि पार्वती जी हैं, गणेश जी है, कार्तिक भगवान है, ये सारे लोग का वहाँ पर मूर्ति लगा हुआ है। और साथ में वहाँ पर चरण पादुका भी हैं, वहाँ पे आप फूल बेलपत्र वो सारी चीज़ें चढ़ा के आप पूजा कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद जैसे ही आप दूसरी साइड आइएगा दोस्तों, तो दूसरी साइड आपको हनुमान जी का एक छोटा सा मूर्ति दिख जाएगा, वहाँ पे आप पूजा कर सकते। उसके बाद आपको आना है सेकंड फ्लोर पे। जी हाँ दोस्तों, मंदिर का दूसरा फ्लोर पर आना है, वहाँ पर आपको विष्णु भगवान का या राम जी का मूर्ति दिख जाएगा, और वहाँ पे चरण पादुका भी लगा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे आप खूबसूरत सा गोल्डन कलर में चरमुखी महादेव भी दिख जाएंगे आपको, और ऊपर से देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा लग रहा है दोस्तों। आप पंडित से बात करके यहाँ पे अपना पूजा पाठ भी करवा सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मंदिर का ऊपरी वाला हिस्सा है, यहाँ पर लोग पूजा पाठ करते हैं। साथ में एक वृक्ष मिल जाएगा, जो पीपल जो नीचे देखे थे उसी पीपल वृक्ष का ऊपर का भाग है, और ऊपर में भी एक शिवलिंग मिल जाएंगे, यहाँ भी आप पूजा कर सकते हैं। और साथ में हवन कुंड है जहाँ पर आपको लास्ट में हवन करना है। और अब हम आ गए हैं दोस्तों मंदिर के बाहर, तो अब हम चलते हैं अपनी दूसरी मंदिर की तरफ और देखते हैं दूसरे मंदिर टॉप 2 में कौन सा मंदिर आता है दोस्तों। हमारे दूसरे नंबर के लिस्ट पे आ गया है साहू पोखर मंदिर मुजफ्फरपुर का। इस मंदिर का खूबसूरती ही इतना लाजवाब है कि मैं बता नहीं सकता हूँ दोस्तों। कहा जाता है कि यह मंदिर 250-300 साल पुराना है, और इस मंदिर की इतनी अच्छी से खूबसूरती निखारी गई है कि ये मंदिर अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये मंदिर अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया है। तो चलते हैं मंदिर के अंदर और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं मंदिर में और क्या क्या यहाँ की जानकारी है, वो हम बताते हैं आपको। तो सबसे पहले यहाँ का जो मेन मंदिर है, वहाँ पर आपको शिवलिंग दिख जाएगा, और यहाँ की जो खूबसूरती है ना दोस्तों, चारों तरफ का इतनी अच्छी तरीके से पेंटिंग किया गया है, जो छोटे छोटे बारीकी से जो सजावट किया गया है ना, वो वाकई में बहुत लाजवाब है, क्योंकि ये बहुत पुराना मंदिर है। और मंदिर के जस्ट सामने ही एक छोटा सा मंदिर है जहाँ पे कुछ बाबा भी रहते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी खूबसूरत मंदिर है, राम जी का मंदिर है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं, ये राम जी का मंदिर है, यहाँ पे राम जी हैं और भी बहुत सारे भगवान हैं। और मैं एक चीज़ बहुत खास चीज़ आपको दिखाता हूँ, नीचे अंडरग्राउंड हनुमान जी का मंदिर है। जी हाँ दोस्तों, तो एक सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा और कमेंट में जय बजरंग बली जरूर लिखिएगा। तो ये नीचे अंडरग्राउंड है। जी हाँ दोस्तों, ये अंडरग्राउंड है, आप यहाँ पे आ सकते हैं अगर नहीं आए हैं तो। ये देख सकते हैं, ये हनुमान जी का है। और यहाँ पे अब चलते हैं दूसरी तरफ, दूसरी तरफ भी एक और सेम टू सेम मंदिर है, जहाँ पे आपका
राम जी है, राधे कृष्ण है, ये कह सकते हैं राधे कृष्ण है। और अभी तो यहाँ पे मंदिर का कार्य चल रहा है, देख रहे हैं थोड़ा बहुत पुराना मंदिर है, थोड़ा टूट कर अच्छे से इसको बनाया जा रहा है। तो ये यहाँ पे यहाँ के जो पंडित जी है वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, और अभी आपको हम जो राम जी का मूर्ति है वो आपको मैं दर्शन कराता हूँ। तो ये देख सकते हैं ये कृष्ण जी हैं, राम जी हैं यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ पे चारों तरफ ना छोटे छोटे बहुत सारे भगवान का मूर्ति है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक शिवलिंग है। अब हम यहाँ चलते हैं दूसरी तरफ, मतलब चारों तरफ आप घूम सकते हैं, चारों तरफ ना छोटे छोटे मूर्ति बना हुआ है, और क्योंकि बहुत पुराना है भूल नहीं पाइएगा, मतलब भुला नहीं पाइएगा यहाँ पे। और अब चलते हैं देखते हैं, छोटा छोटा जो घर टाइप का है ना वहाँ बना हुआ है छोटा छोटा, और उसमें हर एक भगवान का मंदिर है। यहाँ पे भी एक भगवान जी का मंदिर है। और अब चलते हैं दूसरी तरफ, यहाँ पे टोटल 6 या 7 मूर्ति है छोटे छोटे। इसके पे ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, हर एक वीडियो आपको बना चुका हूँ मैं। अगर आप हर एक वीडियो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, क्योंकि मैं हर एक मंदिर पे एक एक वीडियो बना चुका हूँ। ये बस मैं दोबारा आया था टॉप 5 टेम्पल्स बनाने के लिए, क्योंकि बहुत लोग कह रहे थे कि मुजफ्फरपुर टेम्पल को एक्सप्लोर करिए, तो मैं बोला चलिए मैं आप लोगों के लिए बनाता हूँ। देख सकते हैं यहाँ भी एक मंदिर है, यहाँ भी एक मूर्ति है भगवान जी का। और अब एक और 2-3 और बच गया, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। चलते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि वीडियो लंबा नहीं करना है, ताकि आप लोग को वीडियो में मज़ा आते रहे और साथ में आप मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। और देख सकते हैं एक मंदिर यहाँ पे, ये था लास्ट मंदिर दोस्तों। अब चलते हैं मंदिर के बाहर, और मंदिर के बाहर एक बहुत बड़ा सा घंटा लगा हुआ है, जिसको मुझे तो बजा के बहुत मज़ा आ गया। और वाकई यहाँ से जो नज़ारा लग रहा था ना, मैं बता नहीं सकता हूँ कितना खूबसूरत नज़ारा लग रहा था मंदिर का। तो ये था कुछ साहू पोखर मंदिर का। और अब हम चलते हैं, यहाँ से बाहर निकलते हैं, और अब हम देखते हैं कि हमारे टॉप 3 लिस्ट में कौन सा मंदिर आने वाला है। दोस्तों अब हमारे तीसरे लिस्ट में है मुजफ्फरपुर का देवी मंदिर, जिसको हम सभी राजेश्वरी देवी मंदिर के नाम से भी जानते हैं। यह मंदिर दुर्गा मंदिर का शक्ति पीठ है मुजफ्फरपुर का। इस मंदिर का एक कहानी भी है, जो कि मैं इसका फुल वीडियो में बता रखा हूँ। वो वीडियो आप देखना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए अब इस मंदिर को हर एक जानकारी बताते हैं, और इस वीडियो में आपको मंदिर में कैसे पूजा करना है, क्या क्या चीज़ लेकर जाना है, वो आपको मैं बताता हूँ। चलिए सबसे पहले चलते हैं मंदिर के अंदर, और ये मंदिर का गेट है, यहाँ आपको चलना है अंदर, और मंदिर के बगल में ही नल मिल जाएगा, वहाँ से आपको हाथ पैर धो लेना है। और यहाँ पे बहुत सारा दुकान मिल जाएगा, जहाँ आपको 5 रुपये पेरा, 10 रुपये पेरा मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ की खास बात मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे खुलता फूल नहीं मिलेगा आपको, या तो माला लेना पड़ेगा, या छोटा माला लीजिए या बड़ा माला लीजिए, मतलब खुलता फूल यहाँ पे नहीं मिलता है। यहाँ के जो माली थे उन्होंने मुझे बताया। अब यहाँ से हम लोग फूल और प्रसाद लेकर चले आए हैं, और मैं देख सकता हूँ यहाँ पे दोस्तों कि अभी अभी माँ का पट खुला है, हम लोग सबसे पहले दर्शन कर रहे हैं। वाकई मुझे बहुत अच्छा लगा, चलिए सबसे पहले दर्शन हो गया, तुरंत पट खुला है अभी जस्ट। और देख सकते हैं अभी हम लोग प्रसाद दिए हैं, और यहाँ के जो पंडित जी हैं जो यहाँ पे पूजा करते हैं, वो प्रसाद चढ़ा रहे हैं, फूल वगैरह चढ़ा रहे हैं। और दोस्तों कमेंट में लिखिएगा जरूर कि जय माता दी, और वीडियो को 1 सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लग रही है। तो देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग पूजा कर रहे हैं। दोस्तों पूजा करने के बाद आपको मंदिर का एक चक्र लिया जाता है, क्योंकि दुर्गा माँ का एक परिक्रमा किया जाता है। तो अभी हम लोग चलते हैं मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा करेंगे, और ये मंदिर के पीछे वाला भाग है दोस्तों, और ये जो माँ का पीछे का है ना, यहाँ पे प्रणाम करना है आपको, और हम भी प्रणाम कर लेते हैं, और फिर आपको आगे बढ़ना है। यहाँ बीच में एक गेट है, और फिर यहाँ पे आके देख सकते हैं यहाँ पे भोला बाबा का मंदिर है, और यहाँ पे भी लोग बैठ के यहाँ पे मंत्र जाप वगैरह करते रहते हैं। ये मंदिर का पूरा पीछे का इलाका है दोस्तों, ये देख सकते हैं। और अभी हम लोग पहला परिक्रमा कर रहे हैं, तो एक परिक्रमा करना है तो उसको हम लोग कर लेते हैं। ये भोले बाबा का फ्रंट से है, देख सकते हैं यहाँ पे भी एक पंडित जी रहते हैं। अब हम लोग एक परिक्रमा कर चुके हैं, तो अब हम लोग मंदिर के बाहर चलेंगे दोस्तों। तो ये देख सकते हैं ये मंदिर का चारों तरफ का ग्राउंड है, यहाँ पे शाम में बहुत लोग आके बैठते हैं, ताकि यहाँ पे उनको शांति लगता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत शांत रहता है शाम में, तो आप यहाँ आके आप बैठ सकते हैं। तो अब हम मंदिर के बाहर निकलते हैं, और देखते हैं कि हमारे 4th नंबर पर कौन सा मंदिर आने वाला है। अब हमारे टॉप 4th लिस्ट में माँ बंगलामुखी मंदिर हम लोग आए हैं दोस्तों, और यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही गेट के अंदर एंट्री करेंगे तो आपको फूल फल वगैरह मिल जाएगा, प्रसाद वगैरह मिल जाएगा, जैसे कि हर मंदिर के बाहर मिलता है। उसके बाद बाहर में ही दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं छोटे छोटे पीठ बने हुए हैं, इस पीठ को भी आप पूजा कर सकते हैं, ये माता का पीठ बना हुआ है, इधर भी मैं आपको दिखा दूँ। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से क्या करना है, यहाँ से लाइन में लगना है, जब भीड़ रहता है तो आपको लाइन में लगना है, एक तरफ पुरुष का रहता है, एक तरफ महिला का रहता है, उसमें आपको आगे बढ़ना है धीरे धीरे। जैसे ही आप
आगे बढ़ेंगे तो आपको मेन माता का मंदिर दिख जाएगा। यहाँ पे दोस्तों मैं बता दूँ कि यहाँ पे घी का दिए चढ़ता है ज़्यादातर, और ये देख सकते हैं ये माता का रूप है। यहाँ पे बाहर नीचे में कुंड भी बना हुआ है। तो कमेंट में जय माता दी लिख दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। और साइड में छोटे छोटे मंदिर का मूर्ति भी बना हुआ है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों नारियल फोड़ने का भी बना हुआ है कि अगर आप नारियल लेते हैं तो नारियल यहाँ पर आके फोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ बना हुआ है, शायद बलि का है या पता नहीं क्या है, लेकिन कुछ है, मुझे जानकारी नहीं है। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुंड है, हवन कुंड है, और हवन कुंड के जस्ट बगल में ही काली माँ का मूर्ति है, तो जय माँ काली। उसके बाद माँ काली के बगल में ही यहाँ पे ब्रह्म स्थान है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे चरण पाद का भी बना हुआ है। और दूसरी तरफ शायद मंदिर के पूर्वज लोग हैं, उनका फोटो वगैरह लगा हुआ है। और बाहर में ही दूसरी तरफ दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे महाकाल भगवान जी का मूर्ति बना हुआ है, तो जय श्री महाकाल जरूर लिखिएगा कॉमेंट में। दोस्तों टॉप फाइव में पाँचवें नंबर पे मैंने जो मंदिर लिया है वो मंदिर मुक्तिनाथ मंदिर है, जो कि आरडीएस कॉलेज के बगल में पड़ता है। तो अब इस मंदिर के तो अंदर चलेंगे और दिखाएंगे कि यहाँ पे कौन कौन सा मूर्ति है और कैसे पूजा किया जाता है और क्या क्या खास चीज़ें हैं यहाँ पे। तो दोस्तों ये देख सकते हैं मंदिर की खूबसूरती लाजवाब है। मंदिर अभी बनने की स्थिति में है, मंदिर धीरे धीरे बन रही है और मंदिर में बहुत सारी मूर्तियाँ हैं। तो सबसे पहले अगर मैं मूर्ति की बात करूं तो सबसे पहले मूर्ति आता है दुर्गा माँ का मूर्ति, जो आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत मूर्ति है यहाँ का। उसके बाद दूसरे मंदिर में भोले बाबा का मूर्ति आपको दिख जाएगा, शिवलिंग दिख जाएगा, यहाँ पे बहुत लोग पूजा कर रहे हैं देख सकते हैं। और उसी के बगल वाले मंदिर में आपको दिख जाएगा राधे कृष्ण का। उसके बाद हनुमान जी का मंदिर भी आपको दिख जाएगा। और मंदिर के दूसरे भाग में, दूसरे मंदिर में यहाँ पर आपको दिख जाएगा या राम जी, हनुमान जी, सीता जी का मूर्ति। चलिए आपको दिखा देते हैं अंदर चल के। ये देखिए यहाँ पे राम जी हैं, सीता जी हैं और हनुमान जी भी है नीचे में।